हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैनन M50 Mark II के साथ आने वाले 1545 किट लेंस का जूम इन एंड जूम आउट टेस्ट। दोस्तों, जब मैं ये कैमरा खरीदना चाह रहा था तब मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की आ रही थी कि इस कैमरे के साथ जो हमें लेंस मिलता है उसका जूम कितना हो सकता है और नॉर्मल स्थिति में वो किस तरह की इमेज दिखाता है। इसलिए दोस्तों, मैंने कई सारी वीडियो सर्च की लेकिन मुझे एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें ये दिखाया गया हो कि नॉर्मल स्थिति में ये लेंस कितनी दूरी के ऑब्जेक्ट को किस तरह दिखाएगा, वीडियोग्राफी में किस तरह दिखाएगा और फोटोग्राफी में किस तरह दिखाएगा। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप इस किट लेंस को अच्छे से समझ सकें और इस बात का अंदाज़ा लगा पाएं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो किस तरह दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरी बेटी इस कैमरे से मात्र 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है और 15 mm की फोकल लेंथ पे, मतलब नॉर्मल स्थिति में ये लेंस इतनी दूर तक हमारी बेटी को दिखाता है। अब मेरी बेटी मुझसे 10 मीटर दूर हो चुकी है, अब मैं इससे इस अपनी बेटी को जूम करके देखूंगा, मतलब 45 फोकल लेंथ पर अपने कैमरे को लेके जाऊंगा और आप देख सकते हैं कि जूम जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरी बेटी पास आती जा रही है। तो 45 mm की फोकल लेंथ पे आप 10 मीटर के सब्जेक्ट को इस तरह देख सकते हैं। अब इतनी ही दूरी पर हम अपने इस कैमरे से फोटोग्राफी करेंगे, इसलिए अब मैं अपने कैमरे को फोटोग्राफी मोड में डाल रहा हूँ। साथ ही जो जूम है वो उतना ही रखा गया है, जूम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको फोटोग्राफी मोड में डाला, बेटी सेम जूमिंग पे, मतलब 45 mm की फोकल लेंथ पे थोड़ी सी दूर दिखनी शुरू हो गई है। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वीडियोग्राफी में थोड़ा नज़दीक आ जाता है और फोटोग्राफी में थोड़ा सा दूर हो जाता है। 35 mm की फोकल लेंथ पर सब्जेक्ट इस तरह दिखाई देता है, 28 mm की फोकल लेंथ पर सब्जेक्ट इतना दूर दिखाई देगा, इसके बाद 24 mm की फोकल लेंथ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इतना दूर दिखाई देगा, 18 mm की फोकल लेंथ पर इतना दूर दिखाई देगा और फिर 15 mm की फोकल लेंथ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इतना दूर दिखाई देता है। और अब आप देख सकते हैं, मैंने कैमरे को दोबारा से 15 mm की फोकल लेंथ पर वीडियो मोड में डाल दिया है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना दूर दिखाई देना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस समय ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये 15 mm की फोकल लेंथ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इसकी फोकसिंग की बात की जाए, चूँकि ये ऑटो फोकसिंग मोड पे रिकॉर्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं इसका ऑटो फोकस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप इसके माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल भी ऑटो फोकस नहीं होंगे, बिल्कुल आपको ये अच्छे से फोकस में करेगा। अगर आप इसके फोकस रेंज से बाहर भी हो जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है। यही इस लेंस की खासियत है जो कि इस लेंस को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देती है और इजी टू यूज़ बना देती है। अब मैंने आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करवा दिया है, वीडियो क्वालिटी टेस्ट करवा दिया है और आपको दिखा दिया है कि जूमिंग जूम आउट में इसका किस तरह परफॉर्मेंस होता है। अगर आप 55-50 लेंस के जूम इन जूम आउट टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही विल्ट्रोक्स एडेप्टर की भी वीडियो आप देख सकते हैं और आप कैनन M50 Mark II से जुड़े हुए विभिन्न वीडियो को भी नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों, बाय बाय।